ओपन बॉल मोबाइल गेम का क्रेज बहुत ही ज्यादा दिन ब दिन बढ़ता हुआ जा रहा है और ये जो क्रेज है 2023 में और भी ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि बहुत सारे ओपन वर्ल्ड गेम्स रिलीज होने वाले हैं 2023 में मोबाइल डिवाइसों के लिए और कुछ का अपडेट जो है हम ऑलरेडी अपने चैनल पे कवर कर रहे हैं और आप सभी की तरफ से अच्छा सपोर्ट भी मिल रहा है। लेकिन उसी लिस्ट में और एक गेम भी ऐड कर लो जिसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उसका नाम है अर्थ रिवाइवल। शायद इस गेम के बारे में आप सबको ऑलरेडी पता होगा, नहीं अगर नहीं तो जान जाओ इस वीडियो को अंत तक देखते हुए। लेकिन उससे पहले वीडियो कहीं भी पसंद आ जाता है तो लाइक ठोक दो, शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए आ चुके हो इसी तरह से इंटरेस्टिंग गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो नीचे सब्सक्राइब वाले बटन को दबा के। तो करना, अर्थ रिवाइवल एक बहुत ही बड़ा ओपन वर्ल्ड सर्वाइवल मोबाइल गेम है जिसे न्यू वर्ड्स ने डेवलप किया है। गेम का ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है और चल भी रहा है जिसका गेम प्ले तो आपको यूट्यूब में देखने को मिल ही जाएगा। इस वीडियो को खत्म करने के बाद मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक बार जरूर इसका गेम प्ले देख लेना। गेम बेसिकली फ्यूचर में सेट है जहां एलियंस ने अर्थ को इन्वेंट कर लिया है, तो आपका सिंपल सा काम होगा उसके अगेंस्ट फाइट करके सर्वाइव करना। गेम में और भी बहुत कुछ कर पाओगे जैसे कि शेल्टर बिल्ड करना, रिसोर्सेस को कलेक्ट करना, वेपन क्राफ्ट करना और जितने भी सारे काम आप करोगे सब के सब 2050 में सेट किया गया है। जो भी आप इस गेम में करोगे नॉर्मल दूसरे सर्वाइवल गेम में भी करते हैं लेकिन थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में। गेम के ग्राफिक्स भी बहुत ही अच्छे हैं और ग्लोबल लॉन्च में और भी ज्यादा इम्प्रूव होगा। ओपन वर्ल्ड गेम है, बहुत से प्लेसेस को आप एक्सप्लोर भी कर पाओगे जैसे कि डेजर्ट, वेटलैंड, फॉरेस्ट, सिटी रुइंस और डायनामिक वेदर का भी फीचर्स इसमें ऐड किया गया है जिससे गेम खेलने का एक्सपीरियंस जो है और भी अच्छा हो जाएगा। मजा आया। गेम में आपको पीवीपी और पीवीई दोनों मोड्स खेलने को मिल जाएंगे, यानी अगर आपको सिंगल प्लेयर मोड खेलना है वो भी आप खेल पाओगे, अगर आप दोस्तों के साथ खेलना चाहते हो उसे भी आराम से इस गेम में एंजॉय कर पाओगे। रिलीज की तरफ आए तो अभी तक ये गेम क्लोज बीटा स्टेज में है और कुछ टाइम तक रहने भी वाला है जो मुझे इनके ऑफिशियल फेसबुक कवर फोटो से पता चला है जो आप स्क्रीन में भी देख पा रहे हो। ज्यादा कुछ तो समझ में मुझे नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके जरूर मुझे बता सकते हो। बट इस फोटो के नीचे दो डेट मेंशन किया गया है, सबसे पहला है 16 दिसंबर से लेकर नेक्स्ट ईयर 5 जनवरी तक और दूसरा डेट है 5 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक यानी नेक्स्ट ईयर। तो मुझे लगता है इन डेट में भी टेस्ट किया जाएगा इस गेम को कुछ कंट्रीज में। और बात रहा इंडिया से इस गेम को क्या हम खेल पाएंगे, अभी तो इसका चांसेस कम है लेकिन ग्लोबल रिलीज के बाद जरूर इस गेम को डाउनलोड करके हम एंजॉय कर सकते हैं। क्यों? उसका चांसेस बहुत ही ज्यादा है क्योंकि इस गेम को डेवलप और पब्लिश कर रहे हैं न्यू वीबर्ड्स, समझ रहे हो, क्योंकि इनका ऑलरेडी एक गेम रिलीज हो चुका है हमारे इंडिया पे। कौन सा गेम है ये तो हम नहीं बताएंगे लेकिन गेम को जरूर खेल के हम ट्राई कर चुके हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ इनके तरफ से कौन सा गेम रिलीज हुआ है इंडिया में। पर क्या आप सब अर्थ रिवाइवल गेम के लिए एक्साइटेड हो? अगर हाँ तो लाइक क्यों नहीं कर देते वीडियो को, शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ क्योंकि ग्लोबल लॉन्च जो है नेक्स्ट ईयर ही होने वाला है। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो किसी भी गेम के अपडेट के बारे में अगर आप मिस नहीं करना चाहते हो। तो कैसे सब्सक्राइब करना है, साइड के लोगो बटन को दबा के। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्रिएशन फाइन एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।